Welcome, student. A very good morning to all. And today, you all are here to take the some questions numerical about the trigonometry. अभी ये trigonometry के हम लोगों ने synopsis देखे. Synopsis यानी जो basics. पर उतने से part में क्या trigonometry का मन भरा होगा? बिल्कुल भी नहीं. हमें बहुत कुछ करना बाकी है in the trigonometry. पर basic फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के हेडिंग के नीचे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े और अभी हम लोग ट्राई करेंगे क्या छोटे से कंसेप्ट पे आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे या नहीं. तो बढ़िए आज के पहले क्वेश्चन के तरफ जहाँ पे सी वेरी सिंपल एंड वेरी लोअर लेवल क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव बाय थ्री एंड सेकंड cos theta is equal to 1 by 3 and the सवाल is what is the value of tan theta. अभी लग रहा होगा मैडम क्या लेवल है ये कुछ भी नहीं है बेटा. I already said कि ये basic है. इतना basic कि जिसे हम लोग solve करने के लिए छोटे 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 concepts को use करा. जब हमको ये पता चल जाएगा कि tan is the ratio of tan मुझे ढूंढना है फिर मेरे दिमाग में एक बार fit हो गया कि साइन अपॉन कॉस अगर आता है तो टेन है. इसका मतलब एवरी टाइम मैंने जब भी टेन दिखना है साइन अपॉन कॉस के बारे में ही सोचना है. साइन थीटा की वैल्यू कितनी है तो रूट फाइव बाय थ्री. कॉस थीटा हैविंग द वैल्यू वन बाय थ्री. दोनों के भी अपॉन में कितने हैं थ्री काट दिए. बचा कितना बेटा तो रूट फाइव अपॉन वन. अपॉन वन कोई मतलब नहीं रखता हमारे लिए तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ वन. We are getting our first answer that is equal to first answer root of 5. Next के तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे tan theta having the value 3 upon 4 और हमें ये बंदा पूछ रहा कि theta अगर acute रहा. ये बहुत important चीज बोली इसने. अभी ये चीजें या कोपरे कपरे में जो conditions आती है वो important इसलिए बन जाती है बेटा क्योंकि हम लोगों के पास tan theta is equal to 3 by 4 ये चीज अवेलेबल है. फिर हम लोग हमारा बेसिक उठा के लाएंगे कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव. तो जस्ट ट्राई इट आउट माय डियर. देखिए मैं आपको अगर एक गम्मत यहाँ पे बताऊं तो ऐसे होता है जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते जहां पे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के वजह से पूरे के पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं वो समय पे होता क्या है चार क्वाड्रेंट चार लोग उठा के लेके जाते उसमें का पहला क्वाड्रेंट ये सबके लिए है तो यहाँ पे ऑल आ गया. इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा साइन आए चाहे टैन आए चाहे कॉट आए चाहे कोसेक आए कोई भी आए ये इतना सुंदर क्वाड्रेंट है कि अभी पे हर एक बंदा पॉजिटिव हो जा रहा. फिर सवाल आया कि सेकंड में कौन थर्ड में कौन तो हर किसी ने फिर क्वाड्रेंट बांट लिए. तू यहाँ पे जा तू यहाँ पे जा मैं यहाँ पे जाता हूँ. क्यों ऐसा साइन एंड कॉस ये मजाक वाली भी बात बोल सकते हो इसको सीरियसली भी ले सकते हो. दिस टू आर योर पैरेंटल फंक्शंस. जब ये दो आए उसी के बाद इनके बच्चे आ गए टैन कॉट से कोसेक ऑल ठीक है. साइन निपट गया कॉस निपट गया टैन निकल लिया तीन घर बचे थे तीनों ने ले लिए. अभी क्या हुआ यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होने के वजह से साइन सेकंड में भी पॉजिटिव हुआ फर्स्ट में भी पॉजिटिव हुआ टैन थर्ड में पॉजिटिव होते होते फर्स्ट में भी पॉजिटिव हो गया कॉस यहाँ भी पॉजिटिव फर्स्ट भी पॉजिटिव. इसका मतलब चार क्वाड्रेंट में एक ऐसी मोड आ गई जहाँ पे हर एक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव. बात करने बैठ गए हम लोग साइन फंक्शन की तो साइन फंक्शन पॉजिटिव बना फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बचे हुए दो क्वाड्रेंट में वो क्या हो गया निगेटिव हो गया. वैसे ही जो सवाल कह रहा हमें किसके बारे में टैन के बारे में टैन कैसे बताना है तो एक्यूट बताना है. एक्यूट का मतलब ही 90 से कम होता है यार और 90 से कम जब है वो समय पे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. टैन भले ही पॉजिटिव हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पर एक्यूट बोलने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव करेगा तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर इसी के साथ प्रीवियस कुछ वीडियो में ये कंसेप्ट भी आपको बताया था
कि इफ tan थीटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, a यानी न्यूमरेटर, b कंसिडर एज अ डिनोमिनेटर, एंड व्हेन tan कम्स इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वो समय पे साइन थीटा को लगाना a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos थीटा के लिए करना b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो अप्लाइंग दिस सेम, सी हमारे पास क्या है, tan थीटा विद विच वैल्यू, सो 3/4, एंड वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस 3/4 विच इज नथिंग बट द a अपॉन b. सो यहाँ पे एक एक स्टेप को समझिए कि मैंने अगर tan थीटा 3/4 लिया, इट इज a अपॉन b. सो कंपेरिटिवली वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4. दो वैल्यूज मिल गए, a 3 और b कितना हुआ यहाँ पे 4. अभी इन दो वैल्यूज के साथ चलिएगा. सबसे पहले निकालना किसको है, कोसेक. एकदम क्या कोसेक कोसेक करना, मैं पॉसिबिलिटीज भी दे रही हूँ, मैं सॉल्व भी करके दे रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी उसमें कोई दुश्मनी है करके मैं वो मेथड से नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं. आप किसी भी मेथड, ये ट्रिग्नोमेट्री है भैया, जैसे बोलो वैसे इसको ढाला सकते हो. नाउ सी, अगर मैं बोलू साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ए है 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर कितना हुआ 9, 4 स्क्वेयर 16, 9 प्लस 16 25, और रूट ऑफ 25 हैविंग द मीनिंग 4, 3 अपॉन 5. अभी साइन और कोसे में रिश्तेदारी क्या, तो वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है. इसका मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 5/3. अगर मगर हमें मजा नहीं आ रहा इस मेथड में, या हम लोग नहीं चाहते हैं इस मेथड थ्रू जाना, तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन अवेलेबल था. बहुत बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते बेटे, सिर्फ आपने उतने लो लेवल तक जाके, लो लेवल इन द सेंस ऑफ कि उतना डीप में जाके उसको पढ़ना है. जितना डीप में जाके पढ़ोगे उतने अलग 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 रास्ते अपने सामने आते जाएंगे. सी, tan थीटा 3/4, यानी नो डाउट cot थीटा इज इक्वल टू 4/3. और मैं ना यहाँ पे उतना घूम के जाने के बजाय कुछ डायरेक्टली जाना चाहती हूँ, तो मैंने यूज कर लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी. किसके लिए है, कोसेक के लिए. क्या है आइडेंटिटी आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू cot थीटा. अगर 4/3 है तो cot स्क्वायर थीटा हुआ 16/9. फिर ये वैल्यू वहां पे डाल दिए, 1 प्लस 16/9 को सॉल्व किए, वी आर गेटिंग 9 × 1 9 9 + 16 25/9 वैल्यू 4 cosec स्क्वायर थीटा. अभी cosec स्क्वायर थीटा अगर 25/9 है तो इसका मतलब कोसेक थीटा हुआ अंडर रूट ऑफ 25/9 विच इज 5/3. यू गो थ्रू एनी मेथड, आंसर में वेरिएशंस नहीं. समझ में आ रहे कंसेप्ट, बहुत सारे सेक के थ्रू जाओ, टैन के थ्रू जाओ, कॉट के थ्रू जाओ, किसे सिमिलरली. सी फिर से थीटा कैसे एक्यूर्ड, एक्यूर्ड बोलते बराबर ही हमने चीज को समझ जाना. अभी कोसेक अगर रूट ऑफ 10 है तो सेक कितना होगा, ये इसका सवाल है. अभी सेक थीटा किससे मिलता है, तो 1 + 10² θ करने पे sec स्क्वायर थीटा मिलता है. सेक को कोसेक थ्रू ढूंढना है. मैं एक अपनी मेथड बता रही हूँ, आप जब वीडियो देख के हो जाए आप कोई और एक हद मेथड लगा देना यहाँ पे. इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 10, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 1/√10.
साइन थीटा अवेलेबल है तो कॉस निकाल सकते. इट मीन्स साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/10. स्क्वेयरिंग किए ऑन बोथ द साइड्स, रूट कैंसल हो गया. अभी साइन और कॉस की रिश्तेदारी निभाओ. इट मीन्स कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वेयर थीटा. 1 - साइन स्क्वेयर थीटा कितना है? 1/10 है. यहाँ पे लिख लिया, फिर से इसका भी क्रॉस करा दिए. इट मीन्स 10 - 1/10 कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 9/10. देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/√10. किसकी वैल्यू मिल गई? कॉस की. कॉस नेक्स्ट वैल्यू किसकी देगा या कॉस रेसिप्रोकल किसका? तो sec का, इसका मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 10/√3. सी यू. क्या किसी ऑप्शन में sec थीटा की वैल्यू 10/√3 अवेलेबल है? तो एस, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा. इन द क्वेश्चन नेक्स्ट, साइन थीटा हैविंग द वैल्यू √3/2. What is the value of cosec theta and cot theta? इसको आप दो तरीके से कर सकते. साइन से cosec निकाल लो, cosec से आप cot निकाल लो. एक मेथड, दोनों मेथड अप्लाई करा के देखते. देखिए, साइन थीटा √3/2, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज cosec थीटा, ये हुआ 2/√3. जिसको कोसेक पता है वो कॉट निकाल सकता है. बाय यू अप्लाइंग विच 1 + cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ. देयरफॉर cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ - 1. हो सकता है ऐसा. इसका ये मतलब हुआ कि मुझे cot² θ को cosec² θ - 1 लिखना होगा. अभी अगर कोसेक थीटा 2/√3 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ 4/3 - 1. सॉल्व करके मिला 1/3. ये तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू. देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3. कोसेक भी है हमारे पास, कॉट भी हमारे पास, और जब हम लोग ये वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में डाले, कोसेक थीटा कितना मिला है देखिए, कोसेक थीटा 2/√3 प्लस कॉट थीटा 1/√3, बोथ हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. इसका मतलब 3/√3 और 3/, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. इसका मतलब 2 + 1 3/√3 एंड 3/√3 का मीनिंग हुआ यहाँ पे √3. आंसर कौन सा हुआ? सी, अगर मुझे अभी इस मेथड से नहीं जाना तो क्या मेरे पास नेक्स्ट अवेलेबिलिटी थी? तो बिल्कुल. देखिए, जाऊंगी कैसे? कंपेयरिंग द वैल्यूज से जाऊंगी. अगर साइन थीटा √3/2 तो सोचिएगा क्या साइन का कोई एंगल √3/2 है क्या? तो यस, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ था. साइन 60 की वैल्यू √3/2 रहती है. इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई. अभी ये 60 डिग्री वहां पे डालो जो ढूंढना है ना उसमें. यानी पहला क्या हो गया यहाँ पे? कोसेक 60. और नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे? तो कॉट 60. अभी कोसेक 60 की वैल्यू कितनी टेबल लर्न करने पे मिली थी हमें? 2/√3. कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, फिर से वही 3/√3, और 3/√3 का सिंप्लीफाइड √3. सो दिस इज अबाउट द हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. अगेन वन ऑफ द सिंपलीस्ट क्वेश्चन. 5 tan θ इज इक्वल टू 4. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू इज हियर? tan थीटा इज इक्वल टू 4/5. इट मीन्स वी रिक्वायर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan. नाउ पुट डाउन दिस फंक्शन हियर. साइन कॉस, साइन कॉस. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर
डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। जैसे ही आपने डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा किया इसको, दे आर कम्स इन द फॉर्म ऑफ फाइव टेन थीटा माइनस थ्री अपॉन फाइव टेन थीटा प्लस थ्री। ये एक चीज हुई। अभी मैंने वैल्यूज डाले, वैल्यूज क्या बेटा यहाँ पे, फाइव इंटू फोर बाय फाइव माइनस थ्री, फाइव इंटू फोर बाय फाइव प्लस थ्री, फाइव 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 गेट कैंसल, फोर माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू वन बाय सेवन। ये एक मेथड हुई। अगर मुझे इस मेथड से नहीं जाना है तो सी, आफ्टर डिवाइडिंग बाय टेन वी आर गेटिंग द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फाइव टेन थीटा माइनस थ्री अपॉन फाइव टेन थीटा प्लस थ्री। और ऑब्जर्व करो गिवन वाले वैल्यू को, गिवन में फाइव टेन थीटा की ही वैल्यू देखिए कितनी है, फोर। इट मीन्स वी आर गेटिंग फोर माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री, आंसर वन बाय सेवन लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर बी। सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्ड्स विद द सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए लर्न द रिजल्ट, लर्न द फॉर्मूले, लर्न द आइडेंटिटीज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।